अब किसी किसी को मलेरिया वाला बुखार हो जाता है तो गिलोय के साथ महासुदर्शन घनवटी और लक्ष्मी विलास साथ में ले ले तो मलेरिया वाला बुखार भी ठीक हो जाता है। ज्वर चिकित्सा आजकल कोई भी थोड़ा सा बुखार हो जाए तो जो मेडिकल स्टोर से जाकर के एलोपैथिक दवाई ले आते हैं उससे लोगों को पेनक्रियास में प्रॉब्लम आ जाती है। पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज की बीमारी छोटे बच्चों को इसीलिए हो रही है। लोग कहते हैं छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होगी, बताओ पेनक्रियास ही डैमेज हो गया। तो आप अपने बच्चों को यदि बचाना चाहते हैं इन चीज़ों से तो अवॉइड कीजिए बुखार की 99% जो अलग अलग प्रकार का बुखार है। आज मैंने सारा का सारा बता दिया है कि किस तरह से आप घर में ही इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम तो सब किया करें और भ्रामरी उद्गीत भी कर लो आप लोग। स्वामी जी एक और सवाल है भ्रामरी उद्गीत के साथ, और कोई प्रश्न है तो और ले लीजिए। राजीव पठानिया का ये सवाल है, वो 40 साल के हैं, लंग्स में उनके सिस्ट हो गया है, कई बार उन्हें निमोनिया हो चुका है। अच्छा, एक बार नहीं कई दफा निमोनिया हो चुका है। 70% लंग उनका डैमेज हो गया है और लंग से कफ निकालने का वो उपाय ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, लंग से कफ निकालना है तो अभी जो हम बता रहे थे ये जो दिव्य धारा है, दिव्य धारा उसको कहाँ रख दी, तो दिव्य धारा जो है ये इसको पानी में डाल करके और इसको ऐसे पतीले में पानी में डाल दो, जैसे अभी तो हम पकवान बताने वाले हैं इधर, पतीले के अंदर ही पानी में डाल दो, कोई यंत्र आदि की जरूरत नहीं है, और आंखें बंद करके वाष्प ले लो। और ये जो बाम है पतंजलि बाम, ये जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है, इसको फेफड़ों पर लगा लो, ऐसे इसको लगा भी लो, ऐसे 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 इसको ऐसे फेफड़ों पर लगा दे, इसकी मालिश कर देते और फिर सूंघ भी लेते और फिर प्राणायाम कराएं। और फिर ये जो औषधियाँ बताई थी मैंने, त्रिकुटा शीतपलादि श्रवण वसंत मालती अभ्रक भस्म और लक्ष्मीला संजीवनी गिलोय, ये सब खाएं और प्राणायाम नियमित करें तो 70% फेफड़ा डैमेज है विद इन 3 to 6 months उनका 80-90% फेफड़ा दोबारा से काम करने लग जाएगा। हो सकता है कुछ फेफड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हो, उसको रीएक्टिवेट होने में 9 महीना लग जाए, लेकिन उनका 1 महीने में उनकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, 2-3 महीने में 50-60% फेफड़ा और 9 महीने के अंदर वापस 100% फेफड़ा उनका काम करने लग जाएगा। स्वामी जी, आज आपने पूरे देश का फेफड़ा मजबूत कर दिया, लंग्स मजबूत कर दिए, अब काफ़ी देर योगाभ्यास आपने करवा लिया लोगों से, अब ज़रा कुछ खाने पीने की बातें कर लेते हैं, वरना मीनाक्षी भी जो है कहेंगी बहुत देर हो गई कुछ अभी तक देखा नहीं, चीज नहीं हुई। गाजर की खीर स्वामी जी आप बताने वाले हैं, जिससे न सिर्फ निमोनिया ठीक होगा बल्कि बदलते मौसम में जो लंग्स हैं वो भी मजबूत होंगे और लोग निमोनिया से भी बचे रहेंगे। हाँ, हम दो तरह की चीजें बताने वाले हैं, एक तो गाजर, गाजर को ऐसे कद्दूकस में कस लेते हैं और खीर बनानी हो तो थोड़ा मोटा मोटा कस लो, और इसका गाजर पाक बनाना हो तो गाजर पाक में जो है उसको ये मैंने एकदम सूंघ लिया तो ऐसे पूरा ये बारीक करके और फिर मीठे के तौर पर हम मधुरम डालते हैं। अब ये ताजी मधुरम आ गई है तो गुड़ शक्कर का प्रयोग करें, चीनी के प्रयोग को हम अवॉइड करते हैं, तो ऐसे ये पूरा घोट घोट करके और इसका मावा तैयार हो जाएगा। फिर ये मावा हमने इसके गाय का ही उसका दूध का ही बनाया हुआ है, तो आप इसका पाक ऐसे बन जाता है। मैंने तो बचपन में जब मैं मुझे याद है जब गांव में 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ा करता था, 8वीं इसमें बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड के एग्जाम देने जाते थे तो यही गाजर पाक जो है इससे 100 ग्राम लेकर के जाते थे और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी भी तरह के दूसरे खाने की, उसी में पूरा भोजन हो जाता था, दूध है इसमें, गाजर है, पूरा पौष्टिकता इसे मिल जाती थी। और दोपहर सुबह एक बार 4 पीस खा लिए, बहुत ज़बरदस्त है ये हेल्थ के लिए, इससे खून भी बढ़ता है, ताकत भी बढ़ती है, तो एक तो गाजर पाक बन जाएगा ये और एक एक गाजर का हलवा गजरेला बन जाता है। आजकल बच्चों को
बहुत तरह के अभी वैसे भी दीपावली का अवसर आने वाला है, बहुत तरह के लोग मिठाइयाँ बनाते हैं घरों के अंदर, तो ये सबसे अच्छी मिठाई है इस समय की। ये स्वामी सीजन जी। है इस समय गाजर का, तो ऐसे गजरेला इसको पका करके बच्चों को खिलाएं और गाजर पाक खिलाएं तो आपके बच्चे मजबूत होंगे, और उनको साथ प्राणायाम कराएं, योगा अभ्यास कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं जी। कम से कम देखो, कम से कम दिखा देते तो ये तो मत दिखाइएगा, ये तो अभी थोड़ी देर में बन जाएगी इसकी तो बर्फी। नहीं, इसकी बर्फी बना करके तो पैक करके इस बार भेजनी पड़ेगी, नहीं तो कहते हैं स्वामी जी खाली बोलते बोलते हैं और अपने चेहरों को खिला देते हैं यार। देखिए, हम लोग कुछ कह नहीं रहे स्वामी जी, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अब तो लोग ट्विटर पे हमसे सवाल पूछने लगे हैं कि डल्डू पहुंचा क्या मीनाक्षी जी। तो अभी लड्डू भी भेज देते, अभी गोंद का लड्डू भी भेजेंगे और ये गाजर पाक भी आपका पैक करके भेजेंगे। अभी हवन में इसका पहले प्रसाद लगेगा लेके ना, और एक देखो ये जो गाजर है ना और ये आंवला, ये गाजर आंवला तो मैंने कहा था विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर, चुकंदर और अनार खाली पेट खाओ तो 5-6 हीमोग्लोबिन होता है, तो मात्र 5-10 दिन के अंदर ही 14 से 16 पहुंच जाता है। ये भी एक गुप्त रहस्य बता दिया है। बहुत शानदार स्वामी जी। चुकंदर और अनार खाली पेट खा लो, किसी का हीमोग्लोबिन का, मेरा 17.5 रहता है हीमोग्लोबिन, मजबूत रहेंगे और 100 साल तक दौड़ लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आंवला एलोवेरा जूस सुबह सुबह पी लिया करें।